अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या 2023 के अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए? बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या हम 2023 के अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट करें और अब फ़ायदा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आए दिन नए नए ब्लॉग्स बन रहे हैं और इसे अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है। तो क्या आपको स्टार्ट करना चाहिए? मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी खासी इनकम होगी और 6 महीने के अंदर ही आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आपको वीडियोज़ मिलती रहें। मैं अर्निंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरा ये मकसद है कि मैं हर किसी को एजुकेट करूँ और उनको तरीके बताऊँ और इस काबिल करूँ कि वो अपना ऑनलाइन कोई सेटअप कर लें, घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो क्या ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए? तो बिल्कुल 2023 के अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आप ये भी सोचें कि इसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अर्निंग के उतने ज़्यादा मौके बढ़ रहे हैं जितना ज़्यादा इंटरनेट आम हो रहा है। अगर दुनिया के अंदर पहले इंटरनेट कम इस्तेमाल होता था तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्लॉगिंग भी बढ़ती जा रही है। लोगों को ब्लॉग बनाना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए कि आप इसके ऊपर कामयाब हो जाएं? तो देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं जब, और ये सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, अगर आप हाउ टू अर्न मनी पे अपना ब्लॉग बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका कीवर्ड रैंक करे, आपका ब्लॉग रैंक करे। आप भूल जाएंगे आपका ब्लॉग रैंक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। आपने जब भी SEO करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जितने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं और जो नए ब्लॉगर हैं, वो ये करते हैं कि कीवर्ड जब रिसर्च करते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड नंबर वन पॉइंट आप अपने पास लिख लें कि लॉन्ग वर्ड कीवर्ड आपने रिसर्च के अंदर लेके आनी है। फ़र्ज़ करें कि अब हाउ टू अर्न मनी सर्च कर रहे हैं, तो आपने हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इजी वेज, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू अर्न मनी ऑन मोबाइल, हाउ टू अर्न मनी इजी वेज, यानी कि आपने कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। जब कीवर्ड रिसर्च करनी है, नंबर वन पॉइंट तो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च की है। आप ये लिख लें कि ये पॉइंट आपने ये ज़रूर अपने जहन में रखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। नंबर टू के आपने अब हाउ टू अर्न मनी, तो लाखों तरीके हैं ऑनलाइन अर्न करने के। आप एक चीज़ को पकड़ लें कि आप चाहे यूट्यूब को पकड़ लें कि हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, या फिर आप सिर्फ फेसबुक को पकड़ लें कि हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक, तो आप ये देखें कि अलग अलग टॉपिक हैं। अगर यूट्यूब पे अपना ब्लॉग बनाएंगे तो सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी अर्निंग मेथड होंगे कि आप कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर ब्लॉग बनाएं। अगर आप सिर्फ सिंपली एक हाउ टू अर्न मनी पे बना देंगे तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। तो ये मैं आपको बड़े बड़े ब्लॉगर जो आप पेड कोर्स खरीदते हैं या कहीं से कोर्सेज सीखते हैं, वहाँ से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सब यही तरीका अख्तियार करते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रिसर्च करते हैं और एक ही टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट टॉपिक को नहीं। फ़र्ज़ करें कि आप हेल्थ पे ब्लॉग बनाते हैं तो सिर्फ हेल्थ के ऊपर आप ना बनाएं, आपने बनाना है तो हाउ टू गेन वेट, यानी कि ये एक अलग टॉपिक है, इसी के ऊपर आपने ब्लॉग लिखने हैं और आर्टिकल लिखते जाना है। तो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ लिया, उसके ऊपर आप हज़ारों उसके अंदर टॉपिक निकल रहे हैं, फिर आपका ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो 2023 के अंदर आपने कामयाब होना है तो दो चीज़ों को आपने नोट कर लेना है, लॉन्ग कीवर्ड और उसके अलावा टॉपिक, ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप 6 महीने के, 4-5 महीनों के अंदर ही अपनी ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को रैंक करा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी किसी किस्म की बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।